उमा छेत्री भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक बैटर और विकेट कीपर की भूमिका निभाती हैं। इन्हें जुलाई 2023 में अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने का मौका मिला। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। उमा छेत्री का जन्म 27 जुलाई 2002 को गोलाघाट आसाम में हुआ। इनके पिता का नाम लोक बहादुर और इनकी माँ का नाम दीपा बहादुर है। इनके भाई का नाम बिजोय छेत्री और तीन और भाई भी हैं। उमा छेत्री दाएं हाथ की बैटर और दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बैटर और विकेट कीपर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 55। उमा छेत्री की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर, तो अभी तक इन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया। और उमा छेत्री डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में असम टीम से और इंडिया ए टीम से खेलती हैं। उमा पांच भाई बहनों में सबसे छोटी और अकेली लड़की है। इन्होंने बचपन से ही छोटी उम्र में अपने घर पर और कच्ची सड़कों पर अपने भाई बहनों और अपने उम्र के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और ये बचपन से ही खूब चौके छक्के लगाती थी। और कक्षा 5-6 में ही इन्होंने बोकाखाट स्टेडियम में प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उमा छेत्री के पिता लोक बहादुर एक किसान हैं, जिस वजह से परिवार का गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं, जिन्होंने इन्हें क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित किया और इनका साथ दिया। 2011-12 में बोकाखाट हिंदी हाई स्कूल में बगल में ही स्टेडियम में खेलते हुए अजय शर्मा का इन पर ध्यान गया, जो गोलाघाट जिले के खेल संघ के कोषाध्यक्ष हैं, जिन्होंने इन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया। उमा छेत्री के कोच राजा रहमान और महबूब आलम थे और अभी भी नियमित रूप से कोच महबूब आलम के तहत क्रिकेट की प्रैक्टिस करती हैं। फिर 2017 में उमा छेत्री असम राज्य टीम में शामिल हुई और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके बाद घरेलू सीजन में 6 वनडे मैचों में 32.33 के औसत से 194 रन बनाए और 5 T20 मैचों में 88.88 के औसत से 120 रन बनाए। और इनके प्रभावशाली प्रदर्शन के आधार पर हांगकांग में अंडर-23 इमर्जिंग एशिया कप के लिए भारत की उभरती टीम में इन्हें नामित किया गया, जिसमें भारत ने अंडर-23 एशिया इमर्जिंग क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। और 20 वर्षीय उमा छेत्री ने टूर्नामेंट में खेले गए 2 मैचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें इन्होंने शुरुआती मैच में नाबाद 16 रन बनाए जिसे भारत ने जीता और अगले मुकाबले में 22 रन बनाए। साथ में स्टंप के पीछे 4 लोगों को आउट करने में शामिल रही, जिसमें से 2 स्टंपिंग भी इनके नाम रहे। और जुलाई 2023 में बांग्लादेश दौरे के लिए 3 T20I और 3 ODI सीरीज के लिए इन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया। उमा छेत्री भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी बनी, हालांकि इनको अभी खेलने का मौका नहीं मिल पाया। तो हम उमा छेत्री के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये देश के लिए अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।